बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गोंद मखानों की। जी हाँ, गोंद मखाने बहुत ही ताकतवर चीज़ है। पिछले ज़मानों में ये पूरे साल ही हमारे घर के अंदर बना करते थे, लेकिन अब ये बस मखसूस हो गए हैं जच्चा के लिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जिस्मानी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा पाव से थोड़े से ज़्यादा मखाने लिए हैं, 325 ग्राम आप समझ लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर 100 ग्राम पिसा हुआ नारियल है, आधा पाव यानी कि 125 ग्राम इसके अंदर गोंद है, और इसमें 2.5 से 3 कप भूरा जाएगा। इसकी रेसिपी आपको वीडियो के लास्ट में मैं लिंक दे दूंगी, उसमें भी मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। इसके अंदर बादाम लिए हैं मैंने 1 पाव, पिस्ते आधा पाव, काजू आधा पाव, 50 ग्राम अखरोट, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर दखनी मिर्चों का पाउडर है, ये मेरा घर का बना हुआ है, आप साबुत दखनी मिर्चें लेके उन्हें भी ग्राइंड कर सकते हैं। सौंठ का पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी इसके अंदर जाएगा। जच्चा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर 100 ग्राम चारमगज जाएंगे, और इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा किलो देसी घी, ये मेरा होममेड है, और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि कम घी इस्तेमाल करें, लेकिन तकरीबन 1.5 पाव घी तो इसके अंदर इस्तेमाल हो ही जाएगा। तो इसे किस तरीके से बनाना है चलिए आइए देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, फ्राइंग पैन को गर्म करने रख दिया है, और एक हमने तसला ले लिया है, इसके अंदर हमने इस तरीके से ये जाली का छानना रख लिया है। इससे हम इसको जल्दी जल्दी फ्राई करते जाएंगे और रखते जाएंगे, और सबसे पहले हम फूल मखाने और गोंद जो है उसको फ्राई करेंगे, तो उनमें सबसे ज़्यादा घी लगता है। तो सबसे पहले हम डोई से घी डालेंगे और इसके अंदर फूल मखाने डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसमें घी कम लगेगा तो हम घी मिला लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कम घी के अंदर ही फ्राई कर लें। लगातार चमचा चलाते हुए हमने मखानों को अच्छे तरीके से भून लेना है। तो मखाने तकरीबन मैं 5 मिनट से भून रही हूँ, और देखिए इनका कलर चेंज हो गया है और ये तकरीबन भून गए हैं। किस तरह से पता चलेगा कि एक मखाना हम उठाएंगे, उसे प्लेट में डालेंगे, और इस वक्त तो ये बहुत गर्म है, इसे हम तोड़ के देखेंगे। ये देखिए, ये एकदम आराम से टूट गया है, अंदर तक से ये सॉफ्ट और भुरभुरा हो गया है। देखिए ये देखिए, बस ये इसकी पहचान है कि ये भून गए ज़रा सा, लेकिन अभी हमको और भूनना है, तकरीबन 2-3 मिनट इसे और भूनेंगे, और उसके बाद हम इन्हें निकालेंगे और तसले में डाल देंगे। तो अब ये हो गए अच्छे तरीके से, अब हम इन्हें निकालेंगे और तसले में डालते जाएंगे। अब इसमें वापस से घी डालेंगे, और इसमें हम घी को तेज करके फिर मखाने डालेंगे। अब हम चमचा चलाते जाएंगे, आंच को धीमा करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये फूल के बिल्कुल डबल हो जाएगी और एकदम लाइट कलर की हो जाएगी। मुस्तकिल चमचा चलाना है इसमें भी, ताकि एक साल की बिल्कुल बराबर की ये भुन जाए। तो ये गोंद हमने भून ली है, इसे भी निकालते हैं और हम मखानों के साथ डाल देते हैं। दोबारा थोड़ा सा घी डाल के अब हम इसके अंदर बादाम भूनेंगे। 2 मिनट में ही बादाम चटकने से लगते हैं, इनका छिलका जो है वो डार्क हो जाएगा और ये करारे हो जाएंगे, तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे। इनको बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, वरना इनमें कसैलापन हो जाता है। अब इसी के अंदर मैं पिस्ता डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा घी डालने की अब जरूरत नहीं है, इसी में कर लेंगे हम। आंच मीडियम रखनी है, सब चीजें भूनते हुए आंच मीडियम रखनी है, चमचा चलाते रहना है।
पिस्ते भी सेम इसी तरीके से फ्राई होंगे, फूल जाएंगे, कलर तेज हो जाएगा और चटकने की आवाजें आने लगेंगी, आपने निकाल लेना है। अब हम काजू फ्राई कर लेते हैं और जब काजू बिल्कुल फ्राई होने के करीब आएंगे तो मैं इसके अंदर अखरोट भी डाल दूंगी। अखरोट को फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हम टॉस करेंगे घी के अंदर। इसी वक्त मैं इसके अंदर ये अखरोट डाल रही हूँ, बस हल्का सा इनको टॉस करूंगी। बस ये दोनों चीजें हो गई हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर मैं ये चार मगज भी डाल दूंगी, ये फौरन ही चटकने लगते हैं तो आपने चमचा चला के एक ढकना जो है वो साथ ही रखना है और ढकने के अंदर ही आपने इस तरह चमचा चलाना है। ये देखिए ये हो गए, फूल गए खूब अच्छे तरीके से, कलर ब्राउन नहीं करना है, बस सिर्फ इनको अच्छा सा फ्राई करना है। कोपरा मैं इसके अंदर घी में नहीं भूनूंगी, सिर्फ गरम गरम सामान में मिला के मिक्स कर दूंगी, तो बस इनके अंदर जो घी है वो कोपरे के लिए बहुत है। तो ये तमाम चीजें अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं, एक ही जगह डाली है। अब इसके ऊपर मैं कोपरा डाल दूंगी और बस इस गरम गरम के अंदर मैं कोपरा मिक्स करूंगी। तो देखिए हमने जो बनाया था उसमें ये आधा पाव दही हमारा बच गया है, आधा किलो में से डेढ़ पाव दही हमने इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद इसकी मिक्सिंग की बारी है, तो मैंने ये सारा मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए साबुत रखा है, आप चाहें तो जिस तरह का तिल चाहे रख सकते हैं। अब इसके अंदर ये दखनी मिर्चें चली जाएंगी, इसके अंदर चला जाएगी सौंठ, चली जाएगी सौंठ। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने भूरा रेडी किया था, तकरीबन 2 कप भूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये हल्का गर्म है जब मैं इसके अंदर ये सब चीजें मिला रही हूँ और भूरा की क्वालिटी ये है कि आप इसे कितनी भी गर्म चीज के अंदर मिला लें ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा। चीनी जो है वो गर्म चीज में मिलाने से मेल्ट हो जाती है। अब हम इसे चख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत तेज मीठी है ना बिल्कुल फीकी है, एकदम परफेक्ट चीनी है इसके अंदर। तो ये हमारा रेडी है, इसे हम डिश में निकालेंगे जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं और बाकी का हम सारा इसको एयर टाइट डब्बे में भर के रख देंगे। तो हमारे मजेदार गोंद मंगाने बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें सूजी के साथ भी बना सकते हैं लेकिन सूजी चूंकि वजन बढ़ाने के काम आती है इसलिए जच्चा के लिए आप सूजी के बिना ही बनाइए जैसे कि मैंने आपको सिखाए, और बच्चों के लिए आप इसके अंदर आधा किलो सूजी भून के वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ताकतवर है, तो ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ हैं। अगर आप मेरी कोई भी डिश ट्राई करें तो उसकी तस्वीर खींच के मुझे मेरे फेसबुक पेज पर शेयर किया कीजिए। आप मुझे मैसेज में इनबॉक्स में पिक्स भेज दीजिए, मैं नाम के साथ आपके पोस्ट कर दूंगी। तो इससे दूसरों को ये बेनिफिट मिलता है कि उन्हें पता चल जाता है कि रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।